नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने है, और क्वेश्चन में हमको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फूड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का पता चलता है। क्वेश्चन में गिवन है, अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ क्लोज पाथ, इज द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी नेसेसरली जीरो, क्या वर्क डन जीरो होगा? ओके, इफ नॉट, अगर नहीं होगा तो क्या कंडीशन है? स्टेट द कंडीशन अंडर विच द वर्क डन ओवर अ क्लोज पाथ ऑलवेज जीरो। ओके, तो यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। ओके, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, ओके, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, केवल इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करेगा, ओनली डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हमेशा जरूरी नहीं है कि क्लोज पाथ पर कोई बॉडी, अगर क्लोज पाथ पर मूव कर रही है तो वर्क डन जीरो हो, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इफ इफ नॉन कंजर्वेटिव जैसे फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क करता जाएगा, ओके, तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। पर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा क्लोज पाथ पर, क्योंकि वो कंजर्वेटिव है। सो इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर एक्टिंग, देन वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑन क्लोज पाथ। ओके, क्लोज पाथ पर वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन, ओके, नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन सो दैट वर्क डन इज इक्वल टू जीरो इज कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे फोर्स काम करना चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स काम करना चाहिए तो ही वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। ओके, तो यहाँ से इस न्यूमेरिकल से, इस क्वेश्चन से हमको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कॉन्सेप्ट का रिवीजन होता है।